नमस्कार दोस्तों, सी ए न्यूज चिड़ावा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। झुंझुनू जिले में रेल की समस्याओं को लेकर सांसद संतोष अहलावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल एवं रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्विनी लोहानी से मुलाकात की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद श्रीमती संतोष अहलावत ने जिले में रात्रि रेल सेवा शुरू करने पर रेल मंत्री का धन्यवाद किया तथा आग्रह किया कि सप्ताह में केवल 3 दिन सोमवार गुरुवार शनिवार रात्रि को ही संचालित होती है, उसको नियमित किया जाए। सांसद संतोष अहलावत ने रेल मंत्री को बताया ये रेलगाड़ी प्रतिदिन संचालित होती है परंतु रेक्स की कमी के कारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही इसे चलाया जा रहा है। सांसद संतोष अहलावत ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि इस गाड़ी को रेक्स उपलब्ध कराया जाए ताकि इस गाड़ी का संचालन प्रतिदिन किया जा सके। सांसद ने मंत्री के सामने रखी ये मांगे। सांसद ने फतेहपुर के कायमसर स्टेशन को बी ग्रेड स्टेशन रहने की रखी मांग। फतेहपुर विधानसभा के हरसावा स्टेशन को पुनः शुरू करने 2016-17 के बजट में स्वीकृत रेलवे ओवरब्रिज का मुद्दा उठाया। धरातल पर इस ओवरब्रिज का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कस्बे में काफी लंबे समय से संचालित राजकीय जमुना दास अड़ूकिया माध्यमिक विद्यालय को पीपीपी मोड पर दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सरकार के इस फरमान का जमकर विरोध किया गया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उक्त सरकारी स्कूल को पीपीपी मोड पर दिए जाने के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की गई। सांकेतिक धरने के जरिए विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा कि अगर निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो सांकेतिक धरने को अनिश्चितकालीन धरने में बदल दिया जाएगा। पीपीपी मोड पर दिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले स्कूल के मेन गेट के आगे धरना दिया गया। राज्य की भाजपा सरकार के इस निर्णय के विरोध में कांग्रेस एवं भाजपा साथ साथ नजर आई। ये कहा जाए कि कांग्रेस एवं भाजपा एक जाजम पर नजर आई तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। कांग्रेस एवं भाजपा के दोनों पार्टियों के पार्षद धरने में शामिल हुए। खेतड़ी की ऐतिहासिक किले व बावड़िया तालाब फिल्म कलाकारों को भाने लगी है। इन स्थलों पर धारावाहिकों व कई एल्बम की शूटिंग होने लग गई है। इसी क्रम में हरियाणवी गानों का एल्बम सिंघम कैसेट की शूटिंग भी यहां की जा रही है। हरियाणवी एल्बम करके ओल्या पानी ने जाऊं की शूटिंग खेतड़ी के गढ़ व ऐतिहासिक पन्ना सागर तालाब पर शूट की गई। फिल्म एल्बम की शूटिंग को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हरियाणवी एल्बम के निर्देशक कृष्ण फौजी ने बताया खेतड़ी ऐसी जगह है जो हर फिल्म के निर्देशक व अन्य शूटिंग के लिए उपयुक्त स्थल है। यहाँ के बावड़िया किले व तालाब फिल्म कलाकारों को आकर्षित करती है इसलिए यहां पर इस एल्बम को शूट किया गया है। वहीं एल्बम की कलाकार कल्पना यादव ने भी खेतड़ी के ऐतिहासिक स्थलों की सराहना की है। एल्बम की शूटिंग के लिए कलाकार करमवीर फौजी, एस रोहिला, टिंकू सेकावत व ड्रोन कैमरे के संचालक राकेश लोहारू की टीम ने एल्बम की शूटिंग की। यह एल्बम अगले हफ्ते रिलीज हो जाएगा। लगा यहाँ का बैकग्राउंड एंड महल देख के बहुत सुंदर लगा और मैं चाहती हूँ कोई और भी आए यहाँ पे शूटिंग करने के लिए। मैं किशन जागीर फौजी, आज हमने यहाँ पर खेतड़ी के जो तालाब है इसमें हमने हरियाणवी एल्बम करके ओल्ला पानी ने जाओ उसका शूट किया और यहाँ का लोकेशन एक ऐतिहासिक लोकेशन देख के बड़ा अच्छा नज़ारा लगा। ये हमारा जो खेतड़ी गाँव है, खेतड़ी हमारा नगर है, इसमें काफ़ी कुछ हम शूट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे जो एंशियंट ऐसे महल, ऐसे हमारे काफ़ी जगह हैं जिन पर हम काफ़ी अच्छी शूट और उनको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगा है शूट करके, बहुत धन्यवाद। खेतड़ी उपखंड के रवा गांव में ग्रामीण गौरवपथ स्कूल नव कर्मोन्नत एवं अटल सेवा केंद्र में सौंदर्यकरण कार्यालय का उद्घाटन किया गया जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक दाताराम गुज्जर ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि खेतड़ी प्रधान मनीषा गुज्जर, एसडीएम संजय कुमार वासु, सरपंच पति शिव कुमार जेवरिया मौजूद थे जबकि अध्यक्षता रवा सरपंच रेखा जेवरिया ने की। इस दौरान मनीषा ने गणेशपुरा एवं खातीपुरा के लिए सीसी सड़क पर पानी की समस्या जल्द दूर करने की घोषणा की। स्कूल में कला संकाय जल्द ही चालू करवाने का आश्वासन भी दिया तथा पंचायत समिति बजट से 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान पूर्व विधायक ने रवा के दीपक जेवरिया के प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर एवं पर्यावरण प्रेमी जगदीश जेवरिया को माला पहनाकर सम्मानित किया। रवा पंचायत में गौरव पथ का लोकार्पण किया गया और स्कूल जो 10वीं से 12वीं में क्रमोन्नत हुई थी उसका भी लोकार्पण किया गया और इसके साथ साथ में अटल सेवा केंद्र में जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया उसका भी आज लोकार्पण किया गया। इस पंचायत में पंचायत समिति के बजट से हमने लगभग 20 लाख रुपए की स्वीकृति पहले जारी कर दी है और आज 3 लाख रुपए की इसी पंचायत के गणेशपुरा ग्राम में पेयजल समस्या को देखते हुए और एक ट्यूबवेल खुदवाने के लिए और स्वीकृति जारी की।
पिलानी के एम के साबू कॉलेज में हुई भारतीय धार्मिक आस्था पर धर्म गुरुओं का कुठाराघात विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्रा लक्ष्मी डसा ने तृतीय स्थान हासिल किया, जबकि पांचवा स्थान निधि शर्मा ने हासिल किया। गिन्नी देवी सत्यनारायण शेक्सपियर गर्ल्स कॉलेज में छात्रा लक्ष्मी डसा एवं निधि शर्मा का सम्मान हुआ। प्राचार्य डॉक्टर सुनीता शर्मा व संस्था सचिव पूर्व आरपीएस सुंदरलाल शर्मा ने दोनों छात्राओं को उनकी सफलता पर बधाई दी। चल वैजयंती का पुरस्कार भी जीएसएस गर्ल्स कॉलेज को ही मिला। कस्बे के मेन बाजार में नाली गंदे पानी से ओवरफुल हो गई तथा गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे यहां के व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों ने भी अपनी परेशानी नगरपालिका के सामने रखने के लिए एक अजीब रास्ता अपनाया। व्यापारियों ने जहां गंदा पानी जमा था वहां पर एक बोर्ड लगा दिया। व्यापारियों ने बोर्ड पर लिखा कि वार्ड नंबर 24 में स्वच्छ भारत अभियान में आपका स्वागत है। सौजन्य नगरपालिका चिड़ावा। व्यापारियों का विरोध का ये तरीका चर्चा का विषय बन गया है। राज्य सरकार पद्मश्री पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10, 12 की परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली लड़कियों को बसंत पंचमी को देगी। राज्य सरकार द्वारा 5,82,00,000 रुपए राशि के पद्मश्री पुरस्कार के रूप में प्रदान करेगी। इस बार पद्मश्री पुरस्कार 8वीं की 273 बालिकाओं को, 10वीं की 262, 12वीं की 261 और कक्षा 8 संस्कृत विभाग प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 21 बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 40,000 रुपए, कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 75,000 रुपए तथा 12वीं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को 1,00,000 रुपए राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कक्षा 12वीं एवं वरिष्ठ उपाध्याय की बालिकाओं को पुरस्कार राशि के अतिरिक्त स्कूटी भी दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 4 विद्यालय ऐसे हैं जिनकी एक साथ 3 बालिकाएं इस सूची में शामिल हैं एवं झुंझुनू जिले में एकमात्र नोबल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवलावास की 3 बेटियां एकता, अमीशा एवं प्रीति को ये पुरस्कार मिलेगा।